मैं सुविधा मेजर संजय कुमार, मेरा जन्म डकैन में, बिलासपुर जिला हिमाचल में हुआ था। जब से होश संभाले थे उस टाइम से लेके ही मेरा एक एम था, एक मुद्दा था कि मुझे फौज में जाके देश की सेवा करें। स्कूल के बाद जब एनसीसी को मैंने ज्वाइन किया था और एनसीसी से ही प्रेरित होके और साथ में जो हमारे सैनिक उनसे प्रेरित होके ये फौज में आने का मैंने निर्णय किया था। 96 जून में भर्ती हुआ। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में घोषित किया गया और कुछ ही महीनों के बाद वह CIOPS में सोपोर में जाने वाली थी। 2 साल का जो टर्नओवर था वहाँ का, उसको पूरा करने के बाद जब हमारी पलटन वापस पीस में आने वाली थी, ये कारगिल का आगाज हुआ। मैं उस टाइम पे लीप पे था। लीप से वापस आने के बाद 2 दिन के बाद ही द्रास के लिए मूव हुआ। फर्स्ट पोस्टिंग थी और 2 साल का ही मेरे पास एक्सपीरियंस था। वो जो मेरे सीनियर्स और उनका जो सहयोग था, बस वो साथ में था। वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जाने के बाद किसी को आने का पता नहीं होता, लेकिन भारतीय सेना ही एक ऐसी सेना है जो अपने आने और जाने का दोनों रास्ता खुद बनाती है। फोल्डिंग के आगे जो 5140 का जो चोटी थी फर्स्ट हमारी बटालियन में, उस इलाके को कैप्चर किया। ये टास्क पूरा करने के लिए 1 हफ्ते के बाद जो हमें दूसरा टास्क दिया गया वो था मस्को वैली में 0.4875 और ब्लैक टॉप। दुश्मन ने रास्तों के ऊपर इतना फायर खोल दिया कि हमारा जो मूवमेंट थी, हमारा जो एडवांस था वो बंद हो गया। जो हमारा प्लानिंग था अटैक करने का वो सारा खराब हो चुका था। फायर सपोर्ट लेना था वो भी पूरा हमारा प्लानिंग के हिसाब से पूरा खराब हो चुका था। वैसे ही दिन निकला तो हमारी जो कैजुअल्टी थी वो होना शुरू हो गई। कैजुअल्टी शुरू होने के बाद जो मेरे कंपनी कमांडर थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर मैं यहाँ 12 घंटे तक रुकूंगा तो रात को ऑपरेशन लड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तब फिर हमने दिन को ऑपरेशन करने का फैसला लिया। मेरे कंपनी कमांडर, मेरे प्लाटून कमांडर, बाकी जो हमारे सीनियर एनसीएस थे उन्होंने। उस प्लानिंग में सिर्फ एक चीज़ शामिल थी कि हम लोग जो अटैक करेंगे वो पूरा साइलेंट रहेगा। तो हमारी जो लीडिंग सेक्शन थी उस फायर स्पोर्ट में आगे निकल गई और क्रॉल करते करते धीरे धीरे दुश्मन के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। मैं और जो मेरा बड़ी थे, हम लोग इतने नज़दीक पहुँच गए कि अगर खड़े हो जाएँ तो अब जो दुश्मन की जो गने थी, जो EMG गने थी, दो उनको हम हाथों से पकड़ सकते। मेरे प्लटून कमांडर थे रमेश साहब, उन्होंने सारा किया कि गनों को बाहर निकाल दें। इसलिए मेरा जो बड़ी था उसने लक्ष्य में जाके लेट कर ग्रेनेड फेंका। फर्स्ट वाला ग्रेनेड बंकर में नहीं गिरा और बाहर गिर गया। जैसे उसकी फटने की आवाज़ आई, दुश्मन को एहसास हो गया कि इंडियन आर्मी जो है बंकर के पास में पहुंच चुकी है। तो हमने देर ना करते हुए जो सेकंड ग्रेनेड था वो थ्रो किया मेरे बड़ी ने और वो बंकर के अंदर गिर गया, जिससे कि उनकी जो कैजुअल्टी हुई और उनकी जो गने थी वो फायर करना बंद हो गई। गनों को बाहर खींच लिया अपनी तरफ और जो होल था उस संगड़ में लगा हुआ उसमें जाके अपने AK-47 से मैंने ब्रश फायर खोल दिया, जिससे कि पाकिस्तान के जो 3 सैनिक थे जो दोबारा से दूसरा वेपन लेके रेडी हो रहे थे उनको मार गिरा। तो हमने वहाँ फर्स्ट बंकर पे जो अपने बाकी साथी थे उनको वहाँ पे बैठाकर हमें फायर सपोर्ट देने के लिए कहा और हम 6 जवान और आगे निकल गए। इस प्रकार से हमारा जो टास्क था 0.4875 और ब्लड टॉप का, तो हमने तकरीबन सुबह 10:30 बजे हमने इस अटैक को शुरू किया था और शाम को 5:30 बजे के करीब हमने इसको फिनिश किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन हमारे 2 सैनिक जो थे शहीद हो गए थे, बाकी हम लोग इंजर्ड हो गए थे। क्योंकि जैसे जैसे हम एरिया को क्लियर करते गए बाकी का ट्रुप्स भी आगे पहुंचता गया और हमें जो चीज़ जहां जब चाहिए थी, जो हमें ऑर्डर, जो अमुनिशन, राशन, लीडरशिप जहां रिक्वायरमेंट थी वो उस समय पे हमें टाइम से मिली और हम उस टास्क को पूरा करने में सफलता हासिल की।